दोस्तों ये बजाज डिस्कवर 125 cc का इंजन है और आप लोगों को बताने वाले हैं कि बजाज डिस्कवर बाइक का मैग्नेट कॉइल आर्मेचर कॉइल को चेक कैसे करना है। जिससे कि मान के चलो बाइक में करंट नहीं आ रही है, इधर उधर आपने बहुत कुछ कोशिश कर लिया और लास्ट में पारी आई कि मुझे मैग्नेट का कॉइल चेक करना है, आर्मेचर कॉइल इसे हम बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल चेक करना है, तो किस तरीके से इसको चेक करेंगे। क्योंकि इसमें जो वायर दिया हुआ गाइस जल्दी से हम लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें कोई स्टार्टिंग कॉइल नहीं है। ठीक है, आप जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ लाइटिंग कॉइल है, चार्जिंग कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल नहीं है। जिस तरीके से ओल्ड मॉडल में लोग देखते थे कि अलग से एक स्टार्टिंग कॉइल करंट देता है, यानी कि यहाँ पे जो स्पार्क प्लग में करंट देता है स्टार्टिंग कॉइल अलग से लगा हुआ होता है, वो चीज़ इसमें नहीं दी गई है, सिर्फ लाइटिंग कॉइल है डायरेक्ट। तो इसको चेक कैसे करना है, इसके साथ ही ये जो पिकअप कॉइल है, ये पिकअप कॉइल है, इसको चेक कैसे करना है, तो दोनों को चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, कभी भी अगर शिकायत आती है करंट अच्छे से नहीं मिल रहा है तो आप किस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वायर की पहचान बता देता हूँ कि कौन से वायर जो है किस काम में आता है। ये जो सॉकेट आप निकालेंगे इनमें से जो ग्रीन वायर मिलेगा, तो ग्रीन वायर का वायर देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर है, ये डायरेक्ट एक न्यूट्रल लाइट के लिए हो जाता है। ठीक है, तो ये गाइस न्यूट्रल लाइट के लिए है ग्रीन वायर। अगर न्यूट्रल लाइट काम नहीं करता है तो हो सकता है ये वायर खुला हो, तो इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे गाइस एक और वायर है जो कि वाइट में से रेड कॉलर है, वाइट में से रेड पट्टी है। ठीक है, तो ये वायर कहाँ का होता है तो आपको बता दें, ये वायर जो होता है गाइस ये होता है पिकअप कॉइल का, पिकअप कॉइल का ये वाला वायर होता है। पिकअप कॉइल अगर चेक करना है तो यहाँ से मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक कर सकते हैं, इसका और भी कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो मल्टीमीटर से जो हम चेक करेंगे तो इस बटन को यहाँ पे हम रखेंगे कंटिन्यूटी पे, जहाँ से कि हम किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं। जैसे ये दोनों टच करेंगे तो ये आवाज़ करेगी, तो ये आवाज़ कर रही है। तो अगर पिकअप कॉइल को चेक करना चाहते हैं तो इनमें से एक ये वाला प्लस वायर इधर देना है, दूसरा माइनस वायर इसमें देना है। ये ब्लैक कलर और ब्लैक में जो येलो पट्टी देख रहे हैं ये अर्थिंग होता है, तो ये माइनस हो गया। तो इसको यहाँ पे जो चेक करेंगे गाइस तो यहाँ पे नंबरिंग शो करेगा 220 23, यानी कितना प्लस दिखा रहा है इसका नंबरिंग। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 120 30 आता है तो समझे कि इसमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये पिकअप कॉइल जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो दो वायर अब मिलता है, ये तो अर्थ हो गया, ये न्यूट्रल लाइट हो गया और ये पिकअप कॉइल का वायर हो गया। अब दो वायर जो मिलता है, लीजिए, तो दोनों एक जैसा ही वायर मिलता है, यहाँ पर दोनों एक जैसा वायर है, तो इसको चेक कैसे करना है तो आपको बता दें, अगर आप इसका करंट चेक करना चाहें कि कोई वायर लेकर हम डायरेक्ट इसमें एक वायर लगाएंगे और बॉडी टच करेंगे, किक मारेंगे, तो ऐसे में करंट शो नहीं करेगी। इनमें से दोनों वायर को, अगर किसी भी वायर को अलग अलग लेकर यहाँ से वायर आपको डालना है और किक दबाएंगे या सेल्फ दबाएंगे, बॉडी टच करेंगे, तो करंट ऐसे शो नहीं करता है। इसका जो करंट चेक करने का तरीका है गाइस, तो करंट जो शो होगा ये दोनों वायर को आपस में टच करना होगा। ये जो वायर देख रहे दोनों एक जैसा जो कलर है, दोनों को आपस में टच करेंगे, दो वायर इस एक वायर ले लेना है और दोनों वायर का जो मुंह होता है छील लेना है और दोनों को इसमें शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों वायर जो है गाइस क्लिप में शॉर्ट करना है और किक दबाना है। जब किक दबाएंगे तो देखना यहाँ पे चिंगारी देगी, अगर ऐसे चिंगारी दे रहा है तो समझे कि ये जो कॉइल है बिल्कुल सही है। अगर चिंगारी नहीं दे रहा है, आपस में दोनों वायर को टच कर रहे हैं और चिंगारी नहीं दे रहा है, तो फिर समझे कि ये कॉइल जो है ख़राब हो गई है। चाहे तो 20 में से कहीं वायर कट गया है यहाँ पर, ये फिर कॉइल जो है ख़त्म हो गया। कभी कभी क्या होता है गाइस, कॉइल मतलब जो है वायर नहीं कटता है, कॉइल जल जाता है। कॉइल अगर ये जल गया आपस में, इसका जो जो पेंट होता है ऊपर से तांबे का जो पेंट होता है ये जल गया, तो आपस में जो है ये शॉर्ट करने लगेगा, सभी जो इसमें गुच्छा मतलब कि जो दिया हुआ है तो ये आपस में जो है शॉर्ट करने लगेगा। तो ऐसे भी जो है करंट शो करता है ऐसे हालात में, और आपकी बाइक भी स्टार्ट होगी लेकिन दुख 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 जैसा करेगा, रेस नहीं बनेगा, और उस समय हो सकता है कि बैटरी चार्ज ना होने लगे। करंट भी दे रहा, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा, स्टार्ट भी हो रहा, सही से नहीं चल रही है बाइक, तो आप समझे कि इसका जो मैग्नेट कॉइल है ये शॉर्ट हो गया, कहीं पर जो है मतलब कोई भी कॉइल जो है एक जो है जल चुका है, जो कि वो जो शॉर्ट होके जो है गाइस वो बॉडी से करंट टच करने लगता है, जो शॉर्ट होने लगता है। तो
तो इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। दूसरा गाइज ये है कि अगर आप इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो मल्टीमीटर के द्वारा आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसको यहीं पर हम रखेंगे बटन को, मल्टीमीटर से देखते हैं कैसे चेक होता है। इस तरीके से लगाना है और ये वायर जब लगाएंगे तो देखना बीप जैसा साउंड होता है, यानी कि ये वो बता रहा है। तो आपने सुना बीप जैसा आवाज आ रहा है। तो मल्टीमीटर के द्वारा जब चेक करेंगे तो ये दोनों वायर जो हम आपस में टच करते हैं मल्टीमीटर का, तो ये शो करता है कि इसका जो वायर है आपस में बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कहीं भी छूटा हुआ नहीं है। अब देखिए मान के चलो अगर ये शॉर्ट भी कर जाता है तो भी मल्टीमीटर गाइस यही बताएगा, शॉर्ट भी अगर कर जाएगा तो मल्टीमीटर आवाज़ करेगा। तो मल्टीमीटर जो है हमेशा आपको इस कॉइल के बारे में सही जानकारी नहीं देगी, इसलिए बेहतर हुआ कि आप इस कॉइल को खोल कर यानी कि मैग्नेट को खोल कर देखें, कॉइल को खोल कर देखें चारों तरफ से कहीं पे शॉर्ट तो नहीं हुआ, जल तो नहीं गया है। तो इस तरीके से गाइज बजाज डिस्कवर बाइक का जो है मैग्नेट कॉइल को चेक कर सकते हैं, पिकअप कॉइल को चेक कर सकते हैं। आई होप मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को बता दिया कि कॉइल को चेक कैसे करना होता है। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी के साथ फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू गाइज़।